हेयर आता है वो ऑक्शन होते हैं टेम्पल्स के, तो उस ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ से हेयर आता है। कि 100 से ऊपर बाल जाए तो अब ये चिंता का विषय हो जाता है। पैचेस वैसे तो बाय एंड लार्ज सुरक्षित हैं फॉर ओवरऑल हेल्थ। बालों को शुरुआती कीमत जो उनकी लेंथ के हिसाब से होती है वो होती है 9 to 10,000, उसके बाद ये जाती है 58,000 पर केजी तक। कंपनी की लागत हमारी इसकी 6 से 8 हजार के बीच में आता है, मार्केट में पहुँच कर ये 20 से 25 हजार के समथिंग आता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका कहना ही होता है कि मेरे पेरेंट्स को भी अभी तक नहीं पता चला कि हम लोग के मैं हेयर पैच यूज कर रहा हूँ। हेलो, मैं हूं मृदुल राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर। आज के समय में कौन है जो स्मार्ट और गुड लुकिंग नहीं दिखना चाहता। आपने बाला और उजड़ा चमन जैसी फिल्में भी देखी होंगी जिनमें बताया गया है कि एक आम इंसान गंजेपन के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन सी परेशानियों को झेलता है। बाल झड़ने की समस्या आजकल कम उम्र के लोगों में भी दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए आजकल मार्केट में अलग अलग स्टाइल के हेयर विक्स और हेयर पैच काफी फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये हेयर विक बनती कैसे है और इन्हें बनाने के लिए बाल कहाँ से आते हैं। यही जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हेयर विग बनाने वाली एक फैक्ट्री में आए हैं। यहाँ पर फीमेल और मेल्स दोनों के लिए हेयर विग बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं फैक्ट्री में बाल आने से हेयर विग बनने तक की पूरी प्रोसेस क्या होती है। आज उस फैक्ट्री के मालिक हमारे साथ हैं जो वो आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि रॉ बाल आने से लेकर और हेयर पैच बनने तक की प्रोसेस क्या होती है। जी, सबसे पहले जो हेयर आता है वो ऑक्शन होते हैं टेम्पल्स के, तो उस ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ से हेयर आता है। तो ये जो आप हेयर देख रहे हैं वो रॉ हेयर बोलते हैं इसको। इस रॉ हेयर के बाद में वी गो फॉर दिस स्टेज, इसमें जो वेस्टेज होते हैं उसको हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं हैकलिंग प्रोसेस। हैकलिंग प्रोसेस के बाद जैसे ही हेयर हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम सेग्रीगेशन करते हैं। लाइक पहले जो था यहाँ पर काफ़ी वैसा हेयर था, छोटा था, तो वो उन्होंने निकाल दिया। इसके बाद में हम इसको सेग्रीगेट करेंगे लाइक टेक्सचर के हिसाब से और कलर के हिसाब से और आपका लेंथ के हिसाब से। जो हेड आप देख रहे हो ऊपर नीचे है, इसको फिर हम सेट करते हैं। सेग्रीगेशन के बाद में ये रॉ मटेरियल है और ये सेग्रीगेशन के बाद हेड सेट हुआ इसका। सो जो थर्ड प्रोसेस थी उसमें हमने हेड को सेट किया था, उसके बाद अब हम इसको पूरा स्टिचिंग करेंगे। इट्स कॉल्ड द थ्री हेड वेफ्टिंग मेथड। तो इसमें जो हेयर है उसकी स्टिचिंग होती है। इसके बाद में इसको हम डबल स्टिच करते हैं बाकी की मशीन से। ओके, वहाँ से जो थ्री हेड से स्ट्रेचिंग होके आती है उसके बाद हम इसको डबल वेफ्ट बनाते हैं। उस डबल वेफ्ट को बनाने के बाद में हम इसको यूज़ करते हैं विग बनाने में। विग ना कई टाइप की होती है। ये जो विग होती है ये यूज़ होती है हमारी अफ्रीकन मार्केट के लिए, और इसमें एक विग होती है नोटिंग वाली विग होती है, जो हाई क्वालिटी विग होती है, वो हम US मार्केट के लिए यूज़ करते हैं और इंडियन मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो हेयर टॉपर है सबसे पहले तो ये मोनोफिलामेंट फैब्रिक पे बन रहा है। ये जो फैब्रिक होता है ये ना काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल होता है। इसमें एयर भी आराम से पास हो जाती है, तो पसीना वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें हम जो ये नॉटिंग कर रहे हैं ये बहुत ही फाइन नॉटिंग है। एक एक बाल को नीडल से इस पर नॉट किया जाता है, इसमें गांठ लगाई जाती है और उसके बाद वो भी पैटर्न के साथ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट। साउथ इंडियन टेम्पल्स का जो हेयर होता है वो सबसे हाई क्वालिटी हेयर होता है और वहीं से आके प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, फिर सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बालों को किस कीमत पर खरीदा जाता है? बालों को शुरुआती कीमत जो उनकी लेंथ के हिसाब से होती है वो होती है 9 to 10,000 पर केजी, उसके बाद ये जाती है 58,000 पर केजी तक। अगर इस साइज का हम सिल्क टॉपर बनाते हैं तो उसको बनाने में 8-10 दिन लगते हैं मिनिमम, और एक बंदा ही उसको बनाता है, नॉट करता है, फिर दूसरा बंदा उसको बाहर निकालता है। हेयर पैच जो होते हैं किस तरीके से उनको धोया जाता है, ये क्या उनमें शैम्पू कर सकते हैं या उनमें तेल लगा सकते हैं? यूजुअली उसमें हेयर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हेयर ऑयल तो बेसिकली स्कैल्प नरिशमेंट के लिए होता है, लेकिन आप उसमें इनको जैसे थोड़ा सा फ्रिज फ्री और स्मूथ करने के लिए आप कंडीशनर लगा सकते हैं, जो सीरम्स होते हैं ना जिससे बाल सॉफ्ट हो जाता है। और वॉश आप नॉर्मली करिए, आप एक बकेट में डाल के और जैसे कपड़ों को डिप करते हैं इस तरीके से डिप करिए और उसके बाद कंघा कर दीजिए। यूजुअली वॉश भी आपको ये महीने में एक बार ही करना पड़ता है। हेयर पैच फाइनली यहाँ आ चुके हैं, तो अब आप बताइए कि ये जो हेयर पैच है इनकी लागत क्या रहेगी? कंपनी की लागत हमारी इसकी अच्छी क्वालिटी में बनाने से 6 से 8 हजार के बीच में आता है, मार्केट में पहुँच कर ये 20 से 25 हजार के समथिंग आता है। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग हम बनाते हैं पैच। फ्रंट के लिए हम ये जैसे ये बनाते हैं, फुल के लिए कम्प्लीट होता है, फुल हेड विग बिल्कुल बाल्ड है एरिया उसके लिए अलग बनाते हैं। ये अब सीधे सलोन में जाएंगे और टेक्नीशियन इसको फिक्स करेगा, फेस के स्टाइलिंग अकॉर्डिंग कटिंग और स्टाइलिंग करेंगे।
हमने यहाँ पूरी प्रोसेस जानी कि मंदिर से बाल किस तरीके से आते हैं, उसके बाद कौन कौन सी प्रोसेस से होकर हेयर पैच बनता है। अब हम जानते हैं कि हेयर पैच को लगाया किस तरीके से आता है। आइए चलते हैं। अनस शेख हमारे साथ हैं, जो आज आपको हेयर पैच और उसको लगाया किस तरीके से जाता है इस बारे में आपको जानकारी देंगे। आप हम लोगों को बताइए हेयर पैच किस तरीके से लगाए जाते हैं। हेयर पैच लगाने के एक्चुअली काफ़ी सारे मेथड होते हैं। वीविंग होती है, हेयर पैच क्लिपिंग में लगता है, हेयर पैच बॉन्डिंग में भी लगता है, पर जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो बॉन्डिंग में लगवाना प्रेफर करते हैं। बॉन्डिंग में लगवाने का जो हमारा प्रोसेस रहता है वो टेप एंड ग्लू रहता है, जिसमें हम पैच के बॉर्डर के एरिया पे टेप लगाकर उसको ग्लू से फिक्स कर देते हैं और उसकी सर्विस विद इन 22-25 डेज में हो जाती है। ये बॉर्डर एरिया होता है हेयर पैच का, और इसके ऊपर हम यहाँ पे टेप लगाते हैं और उसके ऊपर ग्लू लगा करके फिर जो हमारी प्रॉब्लम एरिया होता है उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो उसको लगाने के बाद कितने समय तक उसको हाथ नहीं लगाना या उस पर जोर नहीं लगना चाहिए? जैसे कि अगर आपने अभी हेयर पैच लगाया है तो आप 2 घंटे तक उसको हाथ ना लगाएं, उसको सेट होने दें, उसके बाद फिर अपने आप नॉर्मल एक्टिविटी की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक चलाना, स्विमिंग करना, जिम जाना, जितनी भी एक्टिविटी हमारी डेली की रहती हैं सारी कर सकते हैं। और भाई इसमें आपको इचिंग नहीं करना है ज़्यादा, इसमें आपको हाथ नहीं लगाना है अंदर की साइड, तो जो ग्लू लगा हुआ है फिर वो लूज़ होने लगता है। आप भी हेयर पैच लगाते हैं तो क्या आप अपने हेयर पैच को बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से लगाया जाता है? हाँ जी, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने हेयर पैच लगा रखा है और मेरा हेयर पैच ओनली टेपिंग में लगा हुआ है, इसमें मैंने ग्लू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। और जैसे कि मुझे अगर हेयर पैच को उतारना है तो ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे कोई खींच के नहीं निकालूंगा, इसको निकालने का तरीका रहता है या तो आगे से या पीछे से। तो जैसे कि हेयर पैच लगा हुआ है, इसको हेयर पैच को अगर कोई सोचता है कि हम इसको खींच के निकाल देंगे तो खींच के नहीं निकलता है। सपोज़ मैंने इसको यहाँ बॉर्डर वाले एरिया में हल्के से अंदर हाथ डाला, फिंगर करा और ये ऐसे ये पूरा निकल कर आ जाता है। और इसके ऊपर अभी ये टेप लगा हुआ है, इसी टेप को मैं ऐसे ही 3-4 बार यूज़ कर सकता हूँ। और मैं अगर मुझे ये लगाना होगा तो मैं इसको फिर से ऐसे मिरर के सामने जाऊँगा और ये फिर से फिक्स हो जाएगा और ये निकलता नहीं है, ये फिक्स रहता है। इसके जो होल्ड होता है इसके ग्लू का काफ़ी स्ट्रांग रहता है वो। आपके पास जो लड़के आते हैं हेयर पैच लगवाने के लिए, उनमें किस उम्र के लोग ज़्यादा होते हैं? उसमें ज़्यादातर रहते हैं 22 से लेके और 35 के बीच में। बहुत से लोग अपना लुक चेंज कराना चाहते हैं, अगर हल्की भी उनकी डेंसिटी है तो आजकल तो सबको चाहिए कि भाई मैं अपना थोड़ा सा एक फैशनेबल उसमें लुक अच्छा रख सकूं। अभी तक आपने जाना कि हेयर पैच बनते कैसे हैं और उन्हें लगाते कैसे हैं। आपने देखा कि हेयर पैच को क्लिप से बालों में फंसाया जाता है या फिर ग्लू या टेप से चिपकाया जाता है। कई बार क्लिप से बाल खींचने के कारण समस्याएं भी हो सकती हैं, कई बार ग्लू से इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस बारे में बात करने के लिए हम आए हैं अपोलो हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर DM महाजन। आइए उनसे ही जानते हैं। सर ये बताइए हेयर पैच लगाना कितना सुरक्षित है? तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर पैच एक रिप्यूटेड वेंडर से लिया जाए और एक अच्छी जगह से लिया जाए और एक अच्छे मटेरियल का बना हो। ये ऐसा हेयर पैच हो जो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल फिट हो जाए और उसमें ज़रा सी भी जो है इरिटेशन ना हो सके, बहुत सारा जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। सर मार्केट में 2 तरीके के हेयर पैच आते हैं, एक वो होते हैं जिन्हें डेली निकाल सकते हैं, कुछ आते हैं जिनकी 20 या 25 दिन में सर्विस की जाती है जो ग्लू से लगाए जाते हैं। दोनों में से कौन सा ज़्यादा सेफ है? देखो जहाँ तक लगाने की बात है तो जो डेली लगा सकते हैं उतार सकते हैं उसमें लगाने उतारने का खर्च ज़रूर है, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। जबकि जो पैच जो चिपका रहता है सिर के ऊपर 24-25 दिन महीने भर, वो नेचुरली उसके नीचे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, जो कि इरिटेशन या इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं। तो प्रेफरेंस हमेशा वही रहेगी कि जो पैच दिन में डाल दें और रात को निकाल। कई सारे ऐसे हेयर पैच हैं जिनको लगाकर नहाया भी जा सकता है, तो क्या ये सेफ है? देखिए ये तो मुनासिब है कि थोड़ा बहुत पानी तो जाएगा ही जाएगा, चाहे जितना मर्जी इम्पोरस कपड़ा आप यूज़ कर लें, क्योंकि हवा पास होनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी जाता है। लेकिन अगर हम एक हेयर ड्रायर जो कोल्ड मोड के ऊपर है नहाने के बाद अगर उसका इस्तेमाल कर लें पहुँचने के बाद, तो बिल्कुल कम से कम मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा जो टिकेगा नहीं और जो कोई भी जो है रिएक्शन पैदा करने में काफ़ी हद मदद जो है रक्षा करेगा। अब जब बात हेयर पैच की हो रही है तो हमने सोचा क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से भी बात की जाए। तो अब हम आए हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर गौरांग कृष्णा के पास। ये वही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है जिन्होंने पूर्व इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, पार्थिव पटेल, एक्टर गुलशन ग्रोवर के हेयर ट्रांसप्लांट किए। तो आइए उनसे ही जानते हैं। सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि हेयर पैच कितने सुरक्षित हैं? देखिए हेयर पैचेस वैसे तो बाय एंड लार्ज सुरक्षित हैं फॉर ओवरऑल हेल्थ,
लेकिन हम लोग ने नोटिस किया है कि जो लोग काफ़ी सालों तक या कई महीनों तक पहन लेते हैं उनके स्किन में डैमेज हो सकता है थोड़ा बहुत, उनको कुछ एलर्जीज हो सकती हैं और उनके एग्जिस्टिंग हेयर में भी लॉस हो सकता है। जो क्लिप से हेयर पैच फिक्स हो रहा है उसको कहते हैं माइक्रो वेफ्टिंग। जहाँ पे भी क्लिप खींच रहा है बालों को वहाँ पे धीरे 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 परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। इसको कहते हैं ट्रैक्शनल एलोपेशिया। आप लगातार खींचे जा रहे हो बालों को तो आपकी रूट परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो क्या जो हेयर ग्लू है या टेप जो आता है जिससे चिपकाते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? साइड इफेक्ट तो हर चीज़ के हैं, उसके भाई साइड इफेक्ट है, लेकिन क्लिप की तरह वो परमानेंट डैमेज नहीं करता, एटलीस्ट हेयर में। हेयर पैचेस में जो ग्लू यूज़ किया जाता है दो वो मेडिकल ग्रेड ग्लू है, लेकिन फिर भी उससे कई सारी स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। तो हम लोगों ने कई पेशेंट्स देखे हैं जो पैच लगाते हैं और अगले दो दिन के बाद बिल्कुल स्कैल्प पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है और कई बार पानी भी आने लगता है। तो ग्लू से एलर्जीज काफ़ी कॉमन होती है। स्कैल्प के लिए हवा भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन जब हेयर पैच लगाते हैं तो हवा डायरेक्ट नहीं लगेगी स्कैल्प में, तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए जो मोस्टली जो हवा जो ऑक्सीजन जो चाहिए स्किन को हेयर को वो तो ब्लड से आ रही है, लेकिन अगर एक कॉन्टीन्यूस लेयर आपके सर पे जमी हुई है तो वहाँ पे पसीना एंट्रैप हो जाता है, जो स्कैल्प नॉर्मली ऑयल बनाता है वो एंट्रैप हो जाता है, जो आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए जो एक सस्ती क्वालिटी के पैचेस आते हैं वो जालीदार नहीं होते, उससे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जिनको पैच यूज़ करना है तो जालीदार पैच यूज़ करें, इससे थोड़ा बहुत वेंटिलेशन मिलता रहे। जो बॉल्डनेस से ग्रसित हैं और पैच यूज़ करना चाहते हैं, अगर उनको बहुत हेवी डैंड्रफ है, स्कैल्प सोराइसिस है या स्कैल्प फोलिकुलाइटिस है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो उनको पैच अवॉइड करना चाहिए। पैच यूज़ करने से पहले उनको पैच किस कपड़े का बना है, जालीदार है कि नहीं, कोई लो क्वालिटी कपड़े से तो नहीं बना है, जो सिलिकॉन जो यूज़ किया जा रहा है वो लो क्वालिटी का है नहीं, वो उनको पता होना चाहिए। प्लस जो बाल लगाए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल है कि ह्यूमन हेयर है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। हेयर पैच को कितने समय के बाद निकालना चाहिए या अधिकतम कितने समय तक लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 to 4 weeks मतलब 20 से 25 दिन के बाद हेयर पैच को एक बार ज़रूर क्लीन और सर्विस ज़रूर करवाना चाहिए। जिस दौरान आपने पैच लगा रखा है आप ट्राई करें कि ऑयल लगाने की ज़रूरत है। कई लोग चाहते हैं कि अरे पैच लगा रखा है तो कुछ ऑयल लगा लें ताकि नरिशमेंट मिल जाए, ये सही आइडिया नहीं है क्योंकि आप उस ऑयल को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाओगे। इस स्टोरी में आपने हेयर पैच बनने से लेकर उसे लगाने की पूरी प्रोसेस के बारे में जाना, वहीं डॉक्टर्स और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का हेयर पैच के बारे में क्या कहना है इस बारे में भी हमने आपको बताया। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।